Okay, hi, good evening everyone. Good evening everyone. I hope you all are doing fine. सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं. और सॉल्यूशंस का हमने देखे कब स्टार्ट किया था और आज जो है ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है. एक्चुअली कल के ही सेशन के साथ पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है. अभी जो है आज ये पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं. यानी थोड़ा सा एक अब क्योंकि हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. हाउएवर काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन दी स्पेशल क्लास आल्सो, है ना. लेकिन अब हमें जाना है एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जो है हम प्रैक्टिस करेंगे. सो दैट जितने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो हर टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हो, जितने जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है. तो उसके लिए हम डीपीपीज डिस्कस करेंगे. बट डीपीपीज से पहले एक बार पूरे चैप्टर का हम रीकैप ले लेंगे सो दैट पूरा एक ही साथ आपका आज मेरे साथ ही रिवाइज हो जाए, ठीक है. तो आर यू रेडी फॉर दी वन शॉर्ट रिविजन? यानी वन शॉर्ट रिविजन क्या रिकैप अभी इसको कहेंगे. पूरे चैप्टर का जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है सारे लेक्चर्स को मिलाकर उसी को हम जो है यहाँ पर वापस से यू नो रिकैप लेने वाले हैं उसका. सो हाय, अच्छा सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए यहाँ पर. अभी तक गुड बिग थम्स अप, बहुत सारे थम्स अप होने चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन. मंगेश, विकास, मीनाक्षी, सेजल, सर्वेश, शारदा, रुचि, सौरभ, अवि, हर्षिता, काजल, हर्षद, निवेदिता, कनिका, विकास, श्रेया, क्षिति, सौरभ, सर्वेश, तनहिता, दीपक, शिवीश, MM, याशिका, क्षिति, काजल, शारदा, मयूर. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. क्विकली करेंगे सेशन को लाइक और साथ ही साथ इधर लग जाना चाहिए आपका अटेंडेंस, है ना. बिल्कुल, और बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है दैट व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा है. बट उससे पहले मुझे बताइए आर यू रेडी कि हम स्टार्ट करें इस चैप्टर का फाइनल रीकैप और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा द नेक्स्ट टॉपिक. आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बताना एक बारी, पता है किसी को. और ये भी मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में किसी भी टॉपिक में जितने भी हमने डिस्कस किए हैं साथ में आपने मेरे पढ़े कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं 2-3 स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस चैप्टर के लिए ही हम 2-3 अलग से 2-3 अलग से डाउट सेशन रखेंगे स्पेशल क्लास पे. तो वो मैं आपको उसका नोटिफाई कर दूंगी कब कब आपके डाउट सेशंस रहेंगे. अभी डाउट सेशन एक तो रख लेंगे आई थिंक कल, क्योंकि जितना अभी तक आपने पढ़ा है. लेकिन उसके बाद मैं थोड़े दिन के गैप के बाद सॉल्यूशंस का डाउट सेशन रखूंगी सो दैट तब तक आपको पढ़ने का टाइम मिल जाए. और क्वेश्चंस मैं आप लोग को बहुत सारे दे दूंगी तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद उनका डिस्कशन वगैरह सब होगा इन द स्पेशल क्लास, ठीक है. तो डू नॉट हेजिटेट अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आता है. अगर मेरे साथ इसको हमने स्टार्ट किया है तो पूरा अच्छे से आपका ये फिनिश होना चाहिए, ठीक है. सो वी आर हियर विद द फाइनल फुल चैप्टर रीकैप ऑफ सॉल्यूशंस. Before we begin the session, let me introduce myself. If you are connecting with me for the first time, तो बनता है कि आप थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लें. So guys, this is Akanksha, your chemistry educator, qualified by CSIR NET with AIR 35, gate qualified in chemical sciences, also secured an international rank of 29 in the EFO, and I was also awarded the scholarship for my outstanding academic performance by Delhi University. राइट, सो आई एम अ ग्रेजुएट एज वेल एज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो चलिए, अच्छा बताइए फर्स्ट क्लास सॉल्यूशंस की फर्स्ट क्लास ध्यान आ रही है. बहुत मजे से आपने सॉल्यूशंस की फर्स्ट क्लास अटेंड की थी. मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशंस की फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट डिड वी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस? सबसे पहले हाँ, अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट वो तो सुबह होगा, है ना. सबसे पहले मुझे बताइए, थैंक यू MM MQ. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाँ, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. और उससे भी पहले सबसे पहली बात हमने ये समझी थी, अनूप श्रीवास्तव ने एकदम ठीक लिखा है दैट सॉल्यूशन क्या होता है. मैंने आपको कहा था अपने आसपास देखिए सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस नजर आएंगे. तो देखिए आज की क्लास में मैं ट्राई करूंगी कि मतलब हमारा चैट के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि टाइम मतलब आपका ये 1 आवर में मुझे कैसे भी आपका ये पूरा यू नो इन 1 गो आई हैव टू फिनिश इट. तो आज चैट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और मैं जितनी जितनी बात बोल रही हूँ बस सुनते जाइए, ठीक है, अच्छा लगेगा. और यहाँ पर आप लिख ही सकते हो जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है. आई ट्राई टू चेक दी चैट सेक्शन बीच में, अदरवाइज डाउट सेशन होगा तब हम ले लेंगे. देखिए सॉल्यूशंस के लिए आप बिल्कुल ध्यान से, आई एम स्टार्टिंग विद इट, तो ध्यान से सुनेंगे सब कुछ बिल्कुल आराम से और सब देखना बहुत अच्छे से आपको वापस से रिवाइंड होगा, याद आएगा. देखिए
सॉल्यूशंस की बात करें, मैंने कहा था अपने चारों ओर देखिए सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस आपको नजर आ जाएंगे, है ना। यहां पर जिस तरह के इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशंस पढ़ने हैं वो आपके कौन है, लिक्विड सॉल्यूशंस है। लिक्विड सॉल्यूशंस हम उनको कहते हैं जहां पर आपके पास क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या रहा हो, सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहा हो। सब लोग लिखेंगे सॉल्वेंट क्या रहता है लिक्विड सॉल्यूशंस में, लिक्विड रहता है। हाउएवर आपका जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट आपका कुछ भी रह सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इससे पहले मैंने आपको ये बता ही दिया था किसी भी सॉल्यूशन के, एक बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉल्यूट वो होता है जिसका जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो होता है जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। लेकिन हमने देखा था कि ये डेफिनेशन अधूरी पड़ जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। राइट डेफिनेशन क्या निकल कर आती है कि सॉल्वेंट आपका वो होता है विच हैज द सेम फिजिकल स्टेट, हैज द सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट एज द सॉल्यूशन, एज सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट वही रहा हो जो सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का बनता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर मिलाओ, भले ही तुम कितना भी ज्यादा सॉल्ट ले लो, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा। तो वहां पर आपने भले ही सॉल्ट का क्वांटिटी ज्यादा भी लिया हो, लेकिन आपका सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद ये सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है, या क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, इसको समझने के लिए ही हमने एक नया टर्म निकाला था। एंड व्हाट वाज दैट न्यू टर्म, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम क्यों समझना चाह रहे हैं, या कंसंट्रेशन की बात हमने क्यों शुरू की थी, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपके पास कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। अब ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कहाँ से, वेट बाय वेट परसेंटेज से। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मैंने आपको बताए थे टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, और हमने केवल वही टर्म्स डिस्कस किए जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में आगे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट है बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10% वेट बाय वेट अगर मेरे पास NaCl है, तो इसका सीधा सा मतलब था कि यहाँ पर जी हमारे पास 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मैंने इंटरप्रिटेशन करना सिखाया था, कैसे आप वेट बाय वेट परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी तरीके से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ वेट था वेट बाय वेट, इधर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो बस मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर इसी तरीके से अगर आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl दे दिया जाता, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन कितना, 100 ml। यहां दिखा हुआ है ना यहां पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, एकदम सिंपल। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो भाई सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो ये तीन टर्म्स को आपने अच्छे से इंटरप्रेट करना सीख लिया था, और ये आपके काम आते हैं कहाँ पर, जब आप मोलैरिटी फाइंड आउट करते हो। तो जी वो आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं देते कि आपके पास 10 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, नहीं। वो आपको क्या देते हैं कि आपके सॉल्यूशन का 10% वेट बाय वेट, मतलब NaCl आपके पास है, बताइए इसका मोलैरिटी क्या होगा, है ना। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराए उसके बाद। इजंट इट, ध्यान आ रहा है सब लोगों को, अच्छे से ध्यान आ रहा है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड गौरव। मास परसेंटेज हमने पढ़ा और वही मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, और दीज आर द टू जो आपको अब भी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एक तो आपका मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपका मोलैरिटी जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल एम यानी मोलैरिटी है, दैट इज सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स हो गया, एंड वॉल्यूम आपका किस में होता है, लीटर में। यहां पर ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा लीटर। तो कितना हो जाएगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर। सब मुझे बताएंगे मोलालिटी की क्या यूनिट होती है, कौन बता रहा है, फटाफट क्विकली बता देंगे। अब तो बहुत पहले ये पढ़ा था हमने, मोलालिटी की क्या यूनिट होती है, जल्दी से बताएंगे एकदम क्विकली फटाफट। आई सी कौन सबसे पहले मुझे ये आंसर देता है, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। और इसी के साथ आज जो है सॉल्यूशंस का फाइनल रैप अप है। तो 200 लाइक्स वी शुड हिट बाय नाउ, 200 लाइक्स फटाफट हो जाने चाहिए। और कौन बता रहा है, वेरी गुड नेहाल, इवेंट इवेंट गेमर एंड
एंड हाँ वेरी गुड मोल पर केजी संहिता मालवेश रुचि परफेक्ट. तो देखो यहाँ पर आपके पास मोल है, दीज आर मोल्स एंड दिस इज केजी, तो क्या हो गया मोल पर केजी, सिंपल. और यहाँ पर एक बात और मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय आपका मोलर मास. दिस इज योर गिवन 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 मास, मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपने जी इतना लिया है और ये उसका स्टैंडर्ड जो भी मोलर मास है वो रहता है. अब नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट के निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स अगर आप सॉल्वेंट के फाइंड आउट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का गिवन मास बाय उसका मोलर मास. आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था, ये बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फटाफट से बता देंगे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है यहाँ पर आपके सामने, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, और जी कौन होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन. क्विकली फुल स्पीड में आज मतलब दिखा दो कि कितना मतलब कितने एनर्जेटिक हो, कितने अच्छे से आपने इसको समझा, एकदम फटाफट जैसे मैं बोलती हूँ आंसर एकदम तुरंत आना चाहिए. ठीक है, हाँ वेरी गुड मोल फ्रैक्शन अनूप खुशी महवीश हर्षिता वेरी गुड मोल फ्रैक्शन परफेक्ट. मतलब इतना जल्दी है ना कॉम्पिटिशन करते हैं, इतना जल्दी लिखो कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊँ, इतना फटाफट एकदम आना चाहिए फुल जोश के साथ. ठीक है, हाई ऑन एनर्जी, वेरी गुड मोल फ्रैक्शन परफेक्ट. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि भाई अगर दो कॉम्पोनेंट हैं ए और बी, तो पहले कॉम्पोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ऐसे ही बी का फाइंड आउट करोगे तो बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और हमेशा एक पर्टिकुलर सिस्टम में जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है, का सम जो टोटल मोल फ्रैक्शन है दैट विल बी इक्वल टू वन. टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल रहेगा, वन के इक्वल रहेगा. राइट है, आगे बढ़. और ये वाली बात आपको पता ही है कि आपने आगे भी बहुत सारे जो है एक्सप्रेशंस तक पहुंचने के लिए इस वाली बात को आपने यूज किया है. उसके बाद आते हैं दो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमने पढ़े, हाउएवर सॉल्यूशंस चैप्टर में आपका इनका कम ही यूज हुआ है. आगे आप देखोगे कि कहीं भी ये वाली सॉल्यूशन टर्म्स आपकी यूज नहीं हुई है. ये ना कहां पर, ये आप पढ़ोगे जब क्लास 11th का टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ तो हमने खैर यहां पर भी लिया इनको, लेकिन इनकी राइट एप्लीकेशन वहां बनती है, वहां से इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो ppm की अगर बात करते हैं तो ये पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियंस में आपका कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है. अगर मिलियन टाइम सॉल्यूट सॉल्वेंट है आपका, तो वो मिलियन सॉल्यूट में सॉल्वेंट यानी सोचो इतना ज्यादा सॉल्वेंट है भाई, मिलियन टाइम्स मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है और उसके अंदर जरा सा बेचारा कितना ही सॉल्यूट कितना भी डाल दो कम ही लगेगा. तो बस उसी को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. और क्योंकि पर मिलियन है तो इसलिए 10^6, और क्योंकि यहां पर आपका पर बिलियन है तो इसलिए 10^9. दैट्स इट. ठीक है, एकदम आसान. और इसको दोबारा से हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जहां हम करेंगे. उसके बाद ध्यान करिए, मैंने आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया. आप फटाफट बता दो मोलैलिटी, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है. आई एम आस्किंग अबाउट स्मॉल एम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्मॉल एम और कैपिटल एम, इन दोनों में से कौन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट. फटाफट एकदम जल्दी से सबका आंसर मेरे सामने होना चाहिए, कौन होता है, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एकदम क्विकली. वेरी गुड इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आपका मोलालिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. देखिए याद करिए, मैंने कहा था हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक हो सकता है आपका वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा हो सकता है वेट बाय वेट. तो वेट बाय वेट यानी कि जहां पर सिर्फ अमाउंट की बात हो रही है, तो जैसे आपका वेट बाय वेट परसेंटेज हुआ, मोलैलिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन में केवल मोल्स की बात होती है. मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, मतलब कितने आपके पास मोल्स हैं डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी द मास ऑफ सॉल्वेंट. तो वहां पर भी आपने सिर्फ मास के टर्म्स में बात की. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो ये भी अमाउंट की बात हो रही है. ppm में क्या होता है, मास बाय मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पर मास तो हमारा क्योंकि कभी चेंज होता ही नहीं है टेम्परेचर के साथ, तो दीज आर ऑल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. लेकिन अगर आप बात करते हो बाकी के टर्म्स की, लाइक आपके पास जितने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हुआ, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ वॉल्यूम आ गया ना भाई, वॉल्यूम तो बदलता है टेम्परेचर के साथ, है कि नहीं, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है. तो इसीलिए इस तरीके से दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और यहां से बनता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी,
विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिसका आंसर आप सबने एब्सोल्युटली राइट दिया. उसके बाद याद करिए, मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताई थी ना मोलारिटी की. मैंने कहा था आपको कि मान लीजिए आपके पास एक वन मोलर NaCl सोल्यूशन है, ठीक है, वन मोलर NaCl सोल्यूशन है, और आपने इसका मान लीजिए 50 ml बनाया हुआ है. अब आप इसमें कितना, इसका कितना डाइल्यूशन करेंगे, हाउ मच डाइल्यूशन करेंगे आप कि आपकी जो मोलारिटी है वो 0.1 मोलर बन जाए. ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है NaCl का, इसका कितना डाइल्यूशन करोगे कि 0.1 मोलर बन जाए. बताना यहां से कौन सी वाली इक्वेशन लगती है, जल्दी से बता दो. सब लिख सकते हैं वो वाला इक्वेशन, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, कितना सॉल्वेंट डालना है. वेरी गुड सुप्रिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड. M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट है. हाँ, 10, अच्छा आंसर बात बता रहे हो, M1V1, याशिका, वेरी गुड. बहुत अच्छे, श्वेता, क्षितिश, त्रोन, नेहल, कनिका, वेरी गुड. तो यहां पर आपके पास जो इक्वेशन लगता था वो क्या था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. और ध्यान करिए ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि M1 into V1 मुझे नंबर ऑफ मोल्स देता है. देखो मोलारिटी क्या होती है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएंगे. तो हमने ये पढ़ा था कि जी नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज होते हैं वॉल्यूम के साथ, भाई नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं. सॉल्यूट तो जितना डाल दिया. अब तुम जब डाइल्यूशन कराओगे तो उसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे आप. डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट डालना. तो सॉल्यूट तो भाई उतना का उतना है जितना एक बार डाल दिया. तो यहां पर आपके जो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और बिफोर डाइल्यूशन एंड योर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये आपके पास इक्वेशन आती है जो आपने मैक्सिमम लोगों ने एकदम ठीक लिखी. सो हियर वी हैव दिस इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2. तो क्या करना था, मोलारिटी फर्स्ट दी गई है, वन मोलर लिख लो, 50 ml दिया है उसका वॉल्यूम लिख लीजिए, यहाँ पर 0.1 बनाना है लिख लीजिए, V2 आसानी से निकल कर आ जाएगा. ऐसे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. फिर जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जी आपका मास तो नहीं बदलता. कि अगर आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, एक का वेट W1 है, दूसरे का वेट W2 है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आपने बनाया होगा उसका वेट कितना निकल कर आएगा, फाइनल जो है दोनों को ऐड कर दीजिए निकल कर आ जाएगा. लेकिन वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं होता कि जी अगर आपने V1 V2 को मिक्स कर एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया, तो नॉन आइडियल के केस में वॉल्यूम इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. मतलब V1 V2 करेंगे तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. सुप्रिया, वेरी गुड. सुप्रिया ने जो लिखा है वही जो हमारे सामने है अब, कि जब आपके नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, नॉन रिएक्टिंग मतलब जब ऐसा सॉल्यूशन आपके पास हो, जैसे एक ये वाला, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2, इन दोनों का जब मिलाया जाए, पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी M1, इसका वॉल्यूम V1, इसका मोलारिटी M2, इसका मोलारिटी V2, दोनों को जब मिलाया जाए तो आप कि ये कैसे सॉल्यूशंस हैं. देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉन रिएक्टिंग, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करते. तो यार जब रिएक्ट नहीं करते तो फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास आएगी वो इसी फॉर्मूला से निकल कर आएगी. क्या आएगा कि यहाँ पर ये आई होप आप लोगों ने तब भी चेंज किया था, V1 + V2 आएगा, ठीक है, कि M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय दिस. सिंपल एकदम, कि दो सॉल्यूशंस को हमने ऐड किया, रिएक्ट नहीं कर रहे. उसके बाद मैंने आपको मोलारिटी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट करना सिखाया था, है कि नहीं, याद आ रहा है. और फिर फाइनली यहां से हुई थी हमारी एक्चुअल टॉपिक की स्टार्टिंग, यानी शुरुआत कहां से, वेपर प्रेशर. फटाफट बता दो वेपर प्रेशर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे वेपर प्रेशर क्या होता है. और उससे पहले हमने समझा था वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं और नॉन वॉलेटाइल. हु इज गिविंग मी द फर्स्ट आंसर, व्हाट इज वेपर प्रेशर. तो यहां पर वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो जो आपके वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, है कि नहीं. परफेक्ट, वेरी गुड. M1V1, आस्था इसको ठीक कर लो. V1 + V2 है, ठीक है. वेरी गुड. सुप्रिया, प्रतीक साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है, प्रेशर एग्जॉर्टेड बाय द वेपर. ट्रॉन, आशीष, बहुत अच्छे, वेरी गुड. तो चलो जी, वेरी गुड. हाय सुमन कांत, शारदा, बहुत अच्छे. राजेश, देवेंद्र, मांजुला, बहुत अच्छे, वेरी गुड. तो देखो यार वेपर प्रेशर क्या होता है, ये लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर को ऊपर से हमने बंद कर दिया,
है कि नहीं, ऊपर से हमने इसको क्लोज कर दिया है, कंटेनर लिया, कंटेनर में अभी मान लेते हैं कि अभी के लिए हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, सिंपल वाटर। तो जब हम वाटर रखते हैं तो वाटर यहां से इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो वाटर के सरफेस पर, इधर सरफेस पर बैठे हुए हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स अपना जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यार ये लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी आपस में, अरे यार ये मेरे पास सामने पानी रखा हुआ है, इसमें ये जो वाटर है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से क्या है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा होगा, तो सारे एक साथ बंधे हुए है कि नहीं, तो यहां पर वो उस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे और बाहर उसको ब्रेक कर इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये इस ऊपर वाली एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर वाले एम्प्टी स्पेस में। ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना खाली, यहाँ पर ये देखो वेपर्स के फॉर्म में आपका लिक्विड वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़कर चले गए। यहीं पर जब आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया तो अब ये बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो वेपर्स ऊपर इकट्ठी होने लगेंगी एम्प्टी स्पेस में, तो फिर वो आपका क्या करेंगी, प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। तो यही जो आपकी वेपर्स बनने लग जाती है, ये क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है, राइट है जी। और फिर बताओ इवेपोरेशन, और एक प्रोसेस मैंने बताया था, एक तो होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। अब इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे सामने ये कंटेनर समझ ली थी और इसको मैंने क्लोज किया हुआ है, बताओ इसमें वेपर बनेंगी या नहीं बनेंगी, और अगर बनेंगी तो इवेपोरेशन से बनेंगी या वेपराइजेशन से बनेंगी। दिस इज द कंटेनर वी हैव। फटाफट देखते हैं कौन है हमारी आज की क्लास का स्मार्ट स्टूडेंट जो बता रहा है कि कंटेनर क्लोज्ड है और यहाँ पर इसमें वेपर बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर वेपर बनेगी तो इवेपोरेशन से बनेगी या फिर किससे, वेपराइजेशन से बनेगी, जल्दी। सुप्रिया 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 आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे थे, बट इस बार मुझे हल्का सा गड़बड़ लग रहा है। यस मैम है, परफेक्ट, वेरी गुड। दिव्या बिल्कुल हाँ राइट, वेपर्स बनेंगी, परफेक्ट। हाँ जी, इवेपोरेशन डज नॉट नीड हीट, वेरी गुड नेहल, बहुत अच्छे इवेपोरेशन। ऋतिक यस, सौम्या, सुष्मिता, बनेगी बनेगी, नाजिया बनेगी वेपर्स, यस बाय इवेपोरेशन। कुसुम, सानहिता, आशीष, अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड। श्रेयसी वेरी गुड, बनेगी, हाँ जी बिल्कुल बनेगी। और किसने लिखा है, शिति, इवेपोरेशन, हाँ जी परफेक्ट, वेरी गुड। अरे वाह, मैक्सिमम लोगों ने, बट तुमने थोड़ी सी गड़बड़ भी की है, अभी देखो गड़बड़ हो जाएगी एकदम। देखो वेपर्स बनेगी 100%, क्योंकि मेरे पास यहां पर जो लिक्विड मैंने लिया है वो वॉलेटाइल लिक्विड है। वाटर कैसा होता है, वॉलेटाइल, यानी कि वो वेपर स्टेट में जाना पसंद करता है, तो उसका वेपर्स बनेगा। अब यहां पर जब मैं इस कंटेनर की बात कर रही थी, देखो इसके नीचे मैंने कोई फ्लेम वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। तो जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या एक फिक्स टेम्परेचर पर, आप नहीं दे रहे हो टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर वेपर्स बन रही होती है, तो क्या आता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है। देखो इवेपोरेशन हो या वेपराइजेशन हो, दोनों आपके तरीके हैं वेपर्स बनाने के। अगर फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे कि हाँ रूम टेम्परेचर पर आपको हीट नहीं दे रहे लेकिन वेपर्स बन रही है, तो इवेपोरेशन है, और आपने हीट किया। अब इसी को यार मैं ले जाऊं और फ्लेम के नीचे, मतलब फ्लेम के ऊपर इसको रख दूं कंटेनर को, तो बहुत स्पीड से मेरी वेपर्स बनने लग जाएंगी। तो बहुत स्पीड से वो जो वेपर्स बनने लगेंगी, वो वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन कहलाएगा, परफेक्ट। नूरफशा, इवेंट गेमर, शिवांगी, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आंसर था यस जी, आपकी वेपर्स बनेंगी और किससे बनेंगी, इवेपोरेशन से बनेंगी। ठीक है, यहां पर इवेपोरेशन से बनेंगी। अब मैं यही कह दूं कि ये लो जी मैंने तो यहां फ्लेम लगा दिया, इसके नीचे फ्लेम लगा देंगे तो फिर वेपराइजेशन प्रोसेस कहलाएगा वो। ठीक है, और अब इसमें बताओ, इन दोनों कंटेनर्स मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है, बताओ किसमें इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, जल्दी से बता देंगे एकदम फटाफट, विद इन अ सेकेंड, जल्दी से। 152 प्रथम ज्यादा बहुत अच्छे, ठीक है जल्दी से, कोई बात नहीं अनूप ना, द, 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 कोई बात नहीं, इसको रिवाइज करेंगे, गलत नहीं होगा। सेकेंड 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 सेकेंड, परफेक्ट, वेरी गुड। कुसुम, नेहल, प्रथम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो किसी ने भी गड़बड़ नहीं की, ऐसा तुम लोग पोल में तो नहीं करते, पोल में तो 100% रिजल्ट कभी आता ही नहीं है, मतलब आंसर बता दो तो भी नहीं है ना। वेरी गुड वेरी गुड, टू सेकेंड, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना अभी यहां पर क्या हुआ, ये जो मेरा सेकेंड कंटेनर है,
सेकेंड कंटेनर में सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस पर, यहां पर सेकेंड कंटेनर कैसा है ना कि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो भी ज्यादा होंगे। ये देखो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यार सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल इधर एम्प्टी स्पेस में जाएंगे तो कोई भी नीचे पड़ा हुआ मॉलिक्यूल क्या करता है, देखो ये वाला सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर जाएगा, इस एम्प्टी स्पेस में वेपर बनाएगा, फिर यहां पर आकर इसको ये वाला जो इधर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल ये इसको क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और इसकी जगह ये तो ऊपर भाप बन गया, वेपर में चला गया, अब इसकी जगह ये आ गया, फिर नेक्स्ट इसका टर्न है, तो कुल मिलाकर ऐसे होता है। तो दोनों में कंपेयर करें तो सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है, सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इधर वेपर भी ज्यादा बनेगी, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इधर ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात आती है कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन हम सब ने ऑब्जर्व किया है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रीज से निकालकर थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, आप देखेंगे उसकी तरफ वहां पर इस तरीके से वेपर्स आपकी कलेक्ट हो जाती हैं, या फिर आप अपनी विंडोज को देखिएगा, कभी कभी ह्यूमिड सीजन होता है तो इस तरीके से वहां पर वाटर वेपर्स आपकी डिपॉजिट हो जाती है। तो हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि देखो हमारे पास इस तरीके से पहले तो वेपर्स बन रही हैं, है ना, पहले तो वेपर्स बन रही है, वेपोरेशन प्रोसेस से वेपर्स बनी, फिर वेपर्स जो बनी, अब देखो उनके पास बेचारे के पास कोई रास्ता तो है नहीं, बाहर तो वो जा नहीं सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, दे कोलाइड, वो जो आपकी कुछ जो यहाँ पर वेपर्स बनी है वो ये वॉल, ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करेंगी तो वो आपकी कंडेंस यानी वापस से लिक्विड स्टेट में आपकी कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, तो वापस से आपकी वो क्या होने लगती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, इसी को, तो जब आपके वेपर मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी लूज हो जाती है और वो आपके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यार तुम एक बात बताओ, बहुत दूर से भागकर आना और दीवार में टक्कर, मतलब करना नहीं ऐसा, ठीक है, लेकिन आप कभी ऐसे इमेजिन करिए, आप बहुत तेजी से एकदम फुल एनर्जी के साथ और स्पीड से भागते आ रहे हो और आते ही आपका एकदम से आपका कोलिजन हुआ किसके साथ, वॉल के साथ, वॉल को कुछ होगा, दीवार का तो कुछ नहीं पकड़ेगा, लेकिन आपका आपकी क्या एनर्जी एकदम चली जाएगी, है कि नहीं। वैसे इसका होता है जैसे वॉल के साथ कोलाइड किया, एनर्जी गई, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वेपर वेपर कुछ नहीं बचा। उसके बाद यहां पर हमने समझा था कि जब भी इस तरीके से आप एक क्लोज कंटेनर ले रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहां पर आपका जितनी स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा है उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन होने लगता है। ध्यान करिए, इस ग्राफ को मैंने आपको इस तरीके से समझाया था कि अगर आप रेट मतलब स्पीड की, स्पीड कितनी है आपके इवेपोरेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन प्रोसेस की, अगर उसको टाइम के साथ देखते हो तो देखो इवेपोरेशन तो सेम स्पीड से चल रहा है, उसको तो कुछ नहीं भाई, स्टार्टिंग से वेपर बन रही है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन मतलब वेपर बनना, तो वेपर तो तुमने जैसे ही इस कंटेनर को क्लोज किया था वेपर तो यहां बनी रही थी, उसकी तो स्पीड में कोई चेंज आया नहीं, बन रही है, पहले भी बन रही थी, वैसे ही बनती जा रही है, तो कांस्टेंट है, एक ही रेट से वेपर्स बनती जा रही है। लेकिन कंडेंसेशन वेपर्स बनने के बाद शुरू हुआ, है कि नहीं, तो वेपर जब थोड़ी कम थी तब तक कंडेंसेशन भी कम था, फिर जैसे मतलब जैसे ज्यादा इवेपोरेशन हुआ और मतलब क्या ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनी, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा वेपर बनी वैसे वैसे आपका कंडेंसेशन का रेट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा कि जितना, अब भाई जितनी वेपर्स बननी थी बन गई, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका जितनी स्पीड से वेपर बनेगी उतनी स्पीड से उनका कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी वेपर इधर आई और उतनी स्पीड से वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। याद करिए मैंने बताया था ये जो आपका साइड में लगा हुआ है ना यूट्यूब टाइप, दिस इज नथिंग बट ये क्या होता है, मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर के हेल्प से हम आपका वेपर प्रेशर मेजर कर लेते हैं कि यहां पर कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो। वेरी गुड, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, यहां तक कि हां जी इक्विलिब्रियम टाइप का सिचुएशन आ जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इसी बात पे सेशन हो जाना चाहिए लाइक, एंड अगर मेरे साथ 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो मतलब 250 लाइक्स तो बनते ही हैं कम से कम अभी तक, तो 250 लाइक्स क्विकली अभी के अभी हिट करेंगे, परफेक्ट। मैनोमीटर हां जी बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं टू आवर्स का नहीं, बस अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपका ये क्लास फिनिश हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपका ये जो टॉपिक है ये एब्सोल्युटली फिनिश हो जाएगा। चलो जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बता रहा है, जल्दी से लिख दीजिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बस एक लाइन में छोटी सी बात आपको लिखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और इसको मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, देखिए फिर से आपके पास वही आ जाएगा। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड क्षिति, थैंक यू,
हाँ जी हाँ जी, मैनोमीटर क्लोज्ड होता है. सौरभ गुप्ता बिल्कुल ऐसा ही है. वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना. नेहल सिंगला परफेक्ट, नेहल सिंगला बहुत अच्छे. शिति नितिन के बराबर भी कोई वाटर रहेगा के बाहर भी नहीं. सायराज ऐसा नहीं है. ठीक है, तो बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट आपका वो वाला टेम्परेचर है जहां पर आपका जो कंटेनर में जितना वेपर प्रेशर है ना, इसका ये वेपर जितनी बनी है उसकी वजह से जितना वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल. मतलब देखो, यहां से मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ, यानी बाहर से प्रेशर लगा रही हूँ. दिस इज माई पी एक्सटर्नल. कितना है? 1 एटमोसफेयर है. कितना है? 1 एटमोसफेरिक प्रेशर है. वेपर्स यहां पर इस कंटेनर में जितना पानी वानी जो भी पड़ा हुआ था उसकी वजह से ये वेपर बनी, और इन वेपर्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो 0.6 एटमोसफेयर है. ऐसा है रूम टेम्परेचर पर. तो भाई रूम टेम्परेचर पर तो अब ये है तो है, ठीक है. उसके बाद अगर मेरे को इसको 0.6 एटमोसफेयर से 1 एटमोसफेयर लेकर जाना है तो मेरे को हीटिंग करनी पड़ेगी. तो हम वैसा ही करते हैं, हीटिंग करते हैं. हीटिंग कर रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. तो जैसे जैसे आप हीटिंग करते हैं टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है. होता यह है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और ज्यादा वेपर बन रही है, और ज्यादा वेपर बन रही है. वेपर 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 आपकी बनती चली जा रही है. तो जैसे जैसे और ज्यादा वेपर बनेंगी तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि यहां पर आपका ये वाला प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर भी आपका 1 एटमोसफेयर के लिए इक्वल हो गया, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है. तो ये हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पर. यानी जी आपका बॉइलिंग पॉइंट यही है. बॉइलिंग पॉइंट उसी पॉइंट को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है. ठीक है, परफेक्ट. यहां पर सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया. अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. स्टैंडर्ड कब कहते हैं? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar के इक्वल हो. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब कहते हैं? जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 एटमोसफेयर के इक्वल रहा हो. फिर मैंने आपको एक रिलेशन बहुत अच्छे से बता दिया था, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है. लेकिन अगर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो जी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है. और ये मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ, इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा अगर किसी को नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये तो, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसको समझ गए क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इसको हमने यूज किया, बहुत सारे क्वेश्चंस में. उसके बाद फाइनली हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ. और राउल्ट्स लॉ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब तक आपने पूरा चैप्टर जैसे फिनिश किया तो आपको ये समझ में ही आया होगा. देखो, ऑब्वियसली बात है कि जिस पर्टिकुलर मतलब जिस चीज की मैं अमाउंट ज्यादा लूंगी तो उसकी वेपर भी ज्यादा बनेगी. भाई अगर मैं वाटर ज्यादा ले रही हूँ तो वाटर की वेपर्स भी ज्यादा बनेंगी. वेपर ज्यादा बनेंगी तो वो प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट करेंगी. तो राउल्ट्स लॉ यही तो कहता था कि जो प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, यानी पार्शियल प्रेशर अगर आप देखते हैं किसी कंपोनेंट ए का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अमाउंट के. और यहां पर हम अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहे थे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, एक्स ए के टर्म्स में. फिर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल आता है, राइट है. इसी तरह से किसी दूसरे कॉम्पोनेंट बी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, जो आपके पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होता है. तो ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां लिखा हुआ है, दैट इज पी ए प्लस पी बी. और पी ए की जगह ये लगा दो, पी बी की जगह ये लगा दो, हो गया जी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. यहां तक सबको समझ में आया? वेरी गुड लिपिका, बहुत अच्छे. कुशल, थैंक यू. और यहां पर आपको पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है. तो देखो, दो इक्वेशंस फिर मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी. और यहां से हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें मैंने आपको पी सॉल्यूशन शायद कुछ ऐसा लिख कर दिया था, 120 - 75 XB, ऐसा कोई सॉल्यूशन क्वेश्चन था इसी टाइप का. तो यहां आपको पी नॉट ए फाइंड आउट करना था. तो देखो कितना आसान होता है, आप यहां पर वही जो आपने प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है सीधा किसी एक के टर्म्स में लिख सकते हो. देखो यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स ए है और इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स बी है. तो कैसे कर सकते हैं, ये जो आपके पास आया, ये जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया, उसमें आप एक्स बी की जगह 1 - XA रख दीजिए, एक्स ए की जगह 1 - XB रख दीजिए, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. उसके बाद हमने सीखा आपका क्या वेपर प्रेशर एंड लिक्विड कंपोजिशन का.
जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपके जो सामने है दैट इज योर लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व। याद करें यहाँ पर आपके पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, सिंपल स्ट्रेट लाइन आती है। यहाँ आपका प्योर ए रहता है, इधर प्योर बी रहता है, प्योर ए का मतलब है इधर मोल फ्रैक्शन ए का कितना रहेगा, पूरा का पूरा वन। इधर कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्योर बी है तो बी के अलावा कुछ नहीं है, तो सिर्फ बी का मोल फ्रैक्शन वन है। और क्या है, ए कितना है, जीरो। इधर से इधर जाते हैं तो ए की वैल्यू कम होती है, इधर से इधर आते हैं यानी कि राइट टू लेफ्ट आते हो तो आपका बी की वैल्यू कम हो रही होती है। फिर यहां से बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ आपका, यहां पर अगर पी नॉट ए आपका कम है लेट से पी नॉट बी से, तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का। और यहां पर ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पी बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व की क्या है, कि आपके पास लीनियर ग्राफ्स आता है, लीनियर प्लॉट आता है, वेयर एज वेपर प्रेशर के केस में आपके पास क्या आता है, कर्व आता है, है ना। और जिसको भी अभी भी डाउट है इसमें, तो एक बार आप दोबारा वीडियो रेफर कर सकते हो, या फिर यू कैन आस्क मी इट एज अ डाउट इन दी स्पेशल क्लास, राइट है। हां जी, पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हमारी क्या बात हुई थी, उसके बाद हमने कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर, देखो अभी तक हम सारी बात लिक्विड लिक्विड के टर्म्स में कर रहे थे, ये जो मोल फ्रैक्शन एक्स से होता है ये किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। बताओ कौन सा लॉ है जो आपको मोल फ्रैक्शन देता है वेपर फेस का, जल्दी से बता देंगे वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन कौन देता है। मालवीश बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एब्सोल्युटली राइट। मजा आ गया ना क्लास में, हाँ याद आ रहा है कि पहले पहले क्या क्या पढ़ाया हुआ, इजंट इट। जल्दी से बता देंगे कौन सा लॉ है जो आपको मोल फ्रैक्शन देता है वेपर फेस का, वेरी गुड सुशांत, देवेंद्र, ट्रॉन, आशीष, देवेंद्र, सुप्रिया, सनीता, वेरी गुड, डॉली लॉ। देखो श्वेता ने क्या लिखा है, जल्दी जल्दी में डाल्टन की जगह डॉली लिख दिया उसने, बहुत अच्छे। राउल्ट्स, ना ना ना, नॉट राउल्ट्स, राउल्ट देता है लिक्विड फेज में, ठीक है। हाँ जी, तो बस लाइन लगा दी, अब तो तुमने डाल्टन की, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहां पर आपके पास राउल्ट्स तो आप पढ़कर ही आए। देखो डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन लॉ भी वही बात करता है कि जी जो हमारा प्रेशर होगा ना किसी भी कॉम्पोनेंट ए का, यानी कि पार्शियल प्रेशर। देखो राउल्ट्स लॉ भी पार्शियल प्रेशर का बताता है और डाल्टन लॉ भी पार्शियल प्रेशर का बताता है, लेकिन राउल्ट्स लॉ इसको मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता है, मोल फ्रैक्शन के साथ इन द लिक्विड फेज। किसमें, लिक्विड फेज में, ध्यान रखिएगा एक्स आपका लिक्विड फेज रिप्रेजेंट करता है, और जो डाल्टन लॉ है वो आपका बताता है मोल फ्रैक्शन को किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। ये जो वाई होता है ना, वाई आपका वेपर फेज रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट, दी वेपर फेज, अरे 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 हाँ वेपर फेज। तो यहां पर क्या आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर फेज में। और यहां पर वो जो पी नॉट ए इधर लिखा हुआ था ना, पी नॉट ए क्या होता है, प्योर कॉम्पोनेंट का प्रेशर, यहां पर ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है डाल्टन्स में, इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद यहां से आप जब दोनों को रिलेट करते हो, दोनों को आप यहां पर इसको इसके इक्वल मान लोगे, यानी कि जब आप ऐसे लिखते हो ना पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी सॉल्यूशन वाई ए, और यहां से फिर एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी सॉल्यूशन वाई ए बाय पी नॉट ए। तो याद करिए ऐसे ही हमने एक्स ए की जैसे फाइंड आउट की वैसे ही एक्स बी की थी। इन दोनों को इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि दोनों प्रेशर ही बता रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ही तो बता रहे हैं ए के। तो यहां पर जब वो एक्स ए और एक्स ए एक्स बी वाली वैल्यूज, एक्स ए और एक्स बी वाली वैल्यूज आप पुट करते हो इसके अंदर, तो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन आती है, जिसको मैंने राउल्ट्स लॉ वाली इक्वेशन से लर्न करना बताया था। सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे कैसे याद रखना है इसको, प्रेशर की जगह वन अपॉन प्रेशर, तो पी टोटल है तो वन अपॉन पी टोटल, पी नॉट ए है तो आपका वन अपॉन पी नॉट ए आ गया, उसके बाद पी नॉट बी है तो क्या आ गया, वन अपॉन पी नॉट बी आ गया। और एक्स ए की जगह, एक्स की जगह वाई रख देंगे, एक्स की जगह वाई रख देंगे, एकदम आसान सा तरीका, राउल्ट्स लॉ से ही ये वाली इक्वेशन निकल कर आ जाती है कि नहीं, सबको याद है, हाँ जी यस, वन अपॉन पी, परफेक्ट। उसके बाद हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व, बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व से पहले एक्चुअली हमने वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व पढ़ा था। याद करिए वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व के केस में आपके पास कर्व बनते हैं, जैसे अभी आपने लिक्विड में देखा ना, ये एक्चुअली दोनों आपके सामने है, यहाँ ना आपके सामने दोनों ही है, और इसमें मैंने आप लोग को पहले भी बताया था ये जो आपकी लाइन बनेगी ना, ये जो आपकी लाइन है दिस इज नॉट कर्व, ये लिक्विड की, और लिक्विड के केस में क्या होता है स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये जो लाइन है दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या सॉरी ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से सुनिएगा इसको, स्ट्रेट लाइन है आपके पास, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं थोड़ा थिक कर देती हूँ, ये देखो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है लिक्विड फेस का, और इसके जो नीचे बना हुआ है वो वेपर फेस का है, वेपर फेस का कर्व होता है, तो ये जो ऊपर बना रखा है ना इसको यहां से आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट है, ये जो आपके सामने बना हुआ है
ये जो आपके सामने बना हुआ, एक सेकंड में इसको ठीक कर देती हूँ, ये जो आपका कर्व, चलो आपके पास, आपको समझ में तो आ गया है कि नहीं? समझ में आया ना सबको? ये ध्यान से मुझे बताएंगे, सबको समझ में आया? यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कर्व है ना, इसको इसको मत कंसिडर करना। अरे 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 अरे, ये लो, इसको मत कंसिडर करना, ठीक है? अभी अभी तो आप देख कर आए, लिक्विड के केस में स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये कुछ नहीं है, राइट है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का जब एक ही ग्राफ में बनाया, तो देखो वेपर के केस में तो कर्व आता है, तो ये आपका वेपरस लाइन है, इससे नीचे सारा वेपर वेपर है, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इससे ऊपर सारा का सारा क्या है? लिक्विड लिक्विड है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको लिक्विडस लाइन कहते हैं, ये जो कर्व लाइन है इसको वेपरस लाइन कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रेशर पर, अगर आपको कोई प्रेशर पता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसी का, एक का प्रेशर, तो उस प्रेशर से यहाँ पर इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद उसको एक्स एक्सिस पर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन मिल जाता है, ठीक है? यहां से क्या मिल जाता है? मोल फ्रैक्शन। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। परफेक्ट, क्लियर है? तो चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व भी पढ़ा था, है ना? बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व कैसा रहता है? बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व में यहां आपके पास टेम्परेचर रहेगा इधर एक्स एक्सिस पर, और इधर क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन रहेगा। तो सेम टू सेम है यहां पर भी, आपने अपना वेपर फेज बना दिया, लिक्विड फेज बना दिया। टी नॉट ए पता है आपको, टी नॉट बी पता है, हमें पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, इजंट इट? तो यहां पर उसी हिसाब से आपने टी नॉट ए टी नॉट बी लिया है। इसके बारे में मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला ग्राफ। और अगर आपको लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा सुनी चाहिए, क्योंकि फिर वन शॉट नहीं हो पाएगा आज रिवीजन, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस, बट आप दोबारा से एक बार सेशन देख सकते हैं, नहीं तो स्पेशल क्लास में हम मिलेंगे, है ना? अभी इसके बाद भी जस्ट 6 बजे मेरा स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं 23 का स्ट्रैटेजी बताऊंगी, दिशा नीट कैंप के लिए जो आपका हो रहा है ना, तो उसमें 23 का स्ट्रैटेजी बताऊंगी, तो वहां पर आप मुझसे ये सब समझ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, राइट है जी? हां जी। तो देखिए अभी आपका यहां पर, उसके बाद ध्यान करिए, आइसोथर्मल डिस्टिलेशन हमने डिस्कस किया था। आइसोलेशन ये जो था, डिस्टिलेशन बेसिकली सेपरेशन के लिए था। किसके लिए? हम अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे थे, मतलब ए और बी कंपोनेंट है, तो एक ए और बी को हमें अलग अलग करना था। वो हमने किसके बेसिस पर किया था? प्रेशर के बेसिस पर। आइसोथर्मल है, तो यहां पर हमने आपका जो टेम्परेचर है उसको क्या रखा था? कॉन्स्टेंट रखा था, और दोनों कॉम्पोनेंट्स का, क्योंकि पार्शियल प्रेशर अलग अलग है, तो उस बेसिस पर जब हम क्या कर रहे थे, पहले इसका वेपर बना, उसी वेपर को कंडेंस किया, उसका लिक्विड बना लिया वापस से। अब जो यहां पर जो वेपर्स आई, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसकी वेपर ज्यादा आई, तो यहां पर जो लिक्विड बना उसी का लिक्विड ज्यादा बना जिसका प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वेपर ज्यादा बनी थी। तो यहां पर दूसरे, इस कंटेनर के कंपेरिजन में दूसरे वाले कंटेनर में एक कॉम्पोनेंट ज्यादा है, वो वाला कॉम्पोनेंट जिसका पार्शियल प्रेशर, जिसका जो जो ज्यादा वॉलेटाइल है, वो वाला कॉम्पोनेंट। ऐसे ही इसको रिपीट करते गए, फाइनल कंटेनर में एक ही सोल्यूशन बचेगा, एक ही कॉम्पोनेंट बचेगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट है? तो इसको तो बोलते हैं, जब आप वेपर को कंडेंस करते हैं तो जो दूसरे बीकर में आता है उसको क्या कहते हैं? डिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डिस्टिलेट। और डिस्टिलेट के अलावा बाकी जो कुछ बच गया उसको रेजिड्यू कहते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस बार 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 रिपीट करते हैं, तो ध्यान करिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास जो आता है वो ये डिस्टिलेट में, बताओ क्या आता है? ए आएगा या बी आएगा? अगर पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, फटाफट कौन बता रहा है मुझे डिस्टिलेट में ए आएगा या बी आएगा, और रेजिड्यू में ए आएगा या फिर बी आएगा? फटाफट क्विकली आंसर देंगे, क्विकली क्विकली। वेरी गुड श्रेयसी, बहुत 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 अच्छे। नहीं, रिवर्स से मतलब क्या है आपका बेटा सुप्रिया? ओनली ए लेफ्ट, वेरी गुड गैस, एट लास्ट ओनली ए ए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो सबने एक्चुअली एकदम राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, मतलब इंप्रेस कर दिया आपने मुझे एकदम, सब ने राइट आंसर दिया, किसी ने भी गलत नहीं, बहुत अच्छे। डिस्टिलेट हमारा बनेगा ए और रेजिड्यू हमारा बनेगा बी, क्योंकि जी इसका पेपर प्रेशर ज्यादा है। आइए, उसके बाद हमने आइडियल सॉल्यूशंस की बात की और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल से पहले आइडिया दे देती हूँ, नॉन आइडियल से पहले आइडियल सॉल्यूशंस याद आ रहे? आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते थे जी? जो आपका राउट्स लॉ फॉलो करते हैं, है कि नहीं? राउट्स लॉ यहां पर आपका क्या होता है? वैलिड होता है जिनके लिए। यानी अगर आप पी ए की बात करो तो कहते हैं पी नॉट ए एक्स ए, पी बी की बात करो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, और पी सॉल्यूशन की बात करें तो ये निकल कर आता है जी एग्जैक्टली इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यानी जब आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो भी यही आता है जो आपका राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए,
लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अच्छा आइडियल के लिए एग्जांपल याद करो. आइडियल के लिए एग्जांपल कौन कौन होते हैं? जो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन. बताया था ना, और एक कोई एग्जांपल बताना मुझे अपनी तरफ से. एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है, बस एक एक सी एच टू ग्रुप एक्स्ट्रा है, दैट्स इट. फिर और क्या था आपके पास? इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड. यार दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके इथाइल हैलाइड डेरिवेटिव्स हैं, बस एक जगह क्लोराइड का एक ब्रोमाइड का है. तो सेम तरह के जो होते हैं, बेंजीन टॉलुइन, वेरी गुड शाहरुख, बहुत अच्छे. मीथेनॉल इथेनॉल, मीथेनॉल इथेनॉल हाँ कह सकते हो. लेकिन देखो अल्कोहल को, अल्कोहल कभी भी आपका पूछेगा नहीं वो आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है? क्योंकि अल्कोहल की अलग कहानी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली. और याद करो मैंने आपको अल्कोहल के लिए एक ट्रिक बताई थी कि अल्कोहल हमेशा पॉजिटिव डेविएशन के साथ जाता है, एसिड हमेशा नेगेटिव डेविएशन के साथ जाती है. बेंजीन टॉलुइन बहुत अच्छा, प्लस स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्द, बस आप कोड यूज करिए एकदम दबा के, ठीक है? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो बस वही करना है और वेरी सून. तो ये क्वेश्चन था खुशाली का, वेरी गुड. टॉलुइन प्लस बेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, सुप्रिया वेरी गुड, बहुत अच्छे एग्जाम्पल. कैसे इजी से याद कर सकते हैं? हाँ कृष्णा मैंने इसी की तो ट्रिक बताई है कि जो आपके बिल, देखो यहाँ पर सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको मैंने ट्रिक बता रखा है जो सेम टू सेम से होता है, जैसे एन हेक्सेन हेप्टेन सेम ही है, एक हाइड्रोकार्बन ही है, इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड. और अगर मैं कहूँ ब्रोमो बेंजीन, या फिर चलो बेंजीन और टॉलुइन ले लो, तो बेंजीन क्या होता है ये, टॉलुइन क्या होता है, यहाँ पर एक सी एच थ्री डेरिवेटिव लगा दो तो बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, सिंपल एक ही जैसे जो हूँ. अब इसी बात पर यार आज हमारा सॉल्यूशंस का फाइनल रीकैप है, तो बनता है मतलब आज के सेशन पर ना 500 लाइक्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप लोग देख लो, ठीक है? चलो यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, उसके बाद जो फॉलो नहीं करते, दैट डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, उसको राउल्ट्स लॉ नहीं फॉलो करते उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करते हो वो राउल्ट्स लॉ के इक्वल नहीं आता. कभी कभी राउल्ट्स लॉ से ज्यादा हो जाता है, कभी कभी राउल्ट्स लॉ से कम होता है. ज्यादा होता है तो यार ज्यादा है तो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, कम है तो नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है. उसके बाद मैंने आपको दो तीन बातें और बताई थी कि यहाँ पर हम कुछ इंटरैक्शंस पढ़ते हैं. इंटरैक्शंस की बात अगर करें तो यहाँ पर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन होता है वो वीक होता है. किसके केस में? पॉजिटिव. पॉजिटिव में प्रेशर ज्यादा चाहिए. प्रेशर ज्यादा चाहिए वो कब बनेगा? जब वेपर ज्यादा बनेगी. वेपर ज्यादा कब बनेगी? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन कम हो. क्योंकि यार सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट के साथ इन्वॉल्व हो गया वेपर कैसे बनाएगा? तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो वेपर बनेगी उनकी. तो इसीलिए ठीक है, तो वीक हो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और यहां पर नेगेटिव के लिए ए बी स्ट्रांग होता है क्योंकि प्रेशर कम चाहिए. अब नेगेटिव के लिए मैंने आपको ट्रिक कहा था, जितनी भी आपके पास एसिड्स होती हैं, ट्रिक इसके लिए क्या होता है नेगेटिव डेविएशन के लिए याद रखना है, जितने भी एसिड्स होते हैं या फिर कोई आपको वीक एसिड वीक बेस कॉम्बिनेशन गिवन है, फिनॉल एनिलीन ऐसा कुछ दिया हुआ है, एसिटिक एसिड पिरिडीन वीक एसिड वीक बेस का, तो ज्यादातर नेगेटिव डेविएशन आएगा. पॉजिटिव डेविएशन के लिए एल्कोहल दिया होगा पक्का, या फिर CCl4 होगा, या कार्बन डाइसल्फाइड होगा, इस तरह का जहां देखने के लिए मिले वो क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है. उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी होती है? इक्वल टू जीरो होती है. लेकिन सॉल्यूशन अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वहां पर डेल्टा एच और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो. पॉजिटिव है ना तो बस पॉजिटिव बना दो, इसको ग्रेटर देन जीरो होता है. इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ कैसे ऐसा होना चाहिए या होता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द क्लास. और ये दोनों जो होते हैं नेगेटिव डेविएशन के केस में 100% कैसे होंगे? नेगेटिव नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने और दूसरी बात क्या डिस्कस की थी, देखो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है. दूसरी बात हमारी डिस्कस हुई थी, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो, वेदर योर सॉल्यूशन वेदर योर सॉल्यूशन इज आइडियल, आइडियल हो चाहे या फिर नॉन आइडियल हो, यानी कि चाहे वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कुछ भी शो कर रहा है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग हमेशा एट एनी कॉस्ट एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और ये आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है दैट विल बी लेस देन जीरो, ठीक है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन कैसा है, सिंपल है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ज्यादा होगा मतलब पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा जी मिक्सिंग कम रहेगा, राइट है? हाँ जी बिल्कुल होगी क्लास, है ना? बिल्कुल अभी नेक्स्ट क्लास सर का ये आप देख रहे हो शेड्यूल हुआ हुआ है, सो जस्ट अभी हम भी इसको फिनिश करने वाले हैं.
हाँ जी रीडिंग कराएंगे, एनसीईआरटी रीडिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी होगा ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सेगमेंट अपना पूरा अच्छे से एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो फिर उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए याद रखना, इसके लिए क्लास में शायद ये हमारी बात अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसको मैं स्पेशल क्लास में भी लूंगी, तो मैं यहाँ स्पेशली लिख रही हूँ, स्पेशल क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा एक बारी और। लेकिन वैसे देख लो अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो देखो जब आइडियल होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन आती है ना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिक्विड कंपोजिशन कर्व में स्ट्रेट लाइन आती है जो मैंने डैश डैश से बनाए हुए। अगर डेविएशन पॉजिटिव है मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसके ऊपर से चला दो, इसके ऊपर से मतलब आइडियल वाली जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर से चला दो और कर्व आएगा, दैट्स इट, इसके ऊपर से मतलब ज्यादा है ना तो बस ज्यादा ज्यादा बना दिया। नेगेटिव डेविएशन के केस में, नेगेटिव में आपको इससे नीचे से ले जाना है, प्रेशर कम हो जाता है नेगेटिव में, तो आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो थी इसके नीचे बना दिया, मतलब कम हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था यहाँ पर, बहुत ईजी है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन लिखी है ये लिखी है एजियोट्रॉप्स के लिए, ध्यान करिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दो तरह के एजियोट्रॉप्स पढ़ाए थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ध्यान आ रहा है, ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें आपका कॉम्पोजिशन जो है लिक्विड और वेपर फेज में जब सेम रहता है तो वह एक पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करने लगता है, और वो टेम्परेचर किसी भी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से मैच नहीं करता। यानी कि ये बात और अच्छे से हमें समझ में आई थी जब हमने मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये दो टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल फटाफट लिख दो कॉमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल, दीजिए फटाफट। इसका मैंने कहा था एग्जाम्पल किसी भी हाल में तुम्हें याद रखना है, ठीक है, मैं बहुत कम चीजें बोलती हूँ, लर्न करना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना था, इजंट इट। हाँ जी, क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जल्दी से बता देंगे क्विकली एकदम फटाफट, और जितना हाँ वेरी गुड, इथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, लेकिन आपका आंसर अभी इनकम्प्लीट है, कॉम्पोजिशन मस्ट है, इथेनॉल और वाटर कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा जब तक कि कॉम्पोजिशन ये ना हो। तो ये आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, 96% ये होना चाहिए, 4% ये होना चाहिए, तभी होगा भाई ऐसा। आप देखो इथेनॉल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 79.8 डिग्री सेल्सियस, तो ऑलमोस्ट 80 डिग्री, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल कर आता है 79.4, यानी इथेनॉल से भी कम है और वाटर से भी कम है, इसीलिए क्या बोला गया मिनिमम बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कम हो जाता है ना, तो इससे भी कम है, दोनों कंपोनेंट से देखो कम निकल कर आ रहा है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इस कॉम्पोजिशन पर। मैक्सिमम एकदम उल्टा है, यानी कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। वाटर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी नाइट्रिक एसिड, और कंपोजिशन ध्यान रखना 68% है, तो ऑटोमेटिक अगर ये 68 है तो 32% वाटर रहा होगा, तो यहां पर इसका होता है 120 डिग्री सेल्सियस, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट दोनों केसेस ज्यादा है 120.5, ठीक है, तो मतलब यहां पर आपका मिक्सचर का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, दीज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब वेपर प्रेशर कम रहा होगा, वेपर प्रेशर कहां कम रहता है नेगेटिव डेविएशन के केस में, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी से बता देंगे सब लोग मुझे क्विकली क्विकली क्विकली। और उसके बाद ये देखो जी, एक लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउएवर इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और उन्हें किसी से मतलब नहीं दुनिया में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अमाउंट से फर्क पड़ता है, बाकी जो है क्या बोलते हैं कैसा नेचर है सॉल्यूट का कोई मतलब नहीं, कौन सा सॉल्यूट है कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइन से लिख डालो यहां पर मेरे सामने, सारी के सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुड बी देयर इन द यू नो चैट सेक्शन। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आर एल वी पी, क्या कहता है कि डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा है यही डिस्कस किया था, आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भाई वेपर प्रेशर कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, जहां पर ये जो के बी है दिस इज योर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसकी यूनिट मैंने आपको देखना बताया कैसे देखते हैं। फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, यहां पर ये जो एम है इसको स्मॉल एम कर लेना आपके कन्वीनियंस के लिए, इसको स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम क्या होता है मोलालिटी होता है। डेल्टा टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये आपका नेक्स्ट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल इसी की तरह,
नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं. पाई इज इक्वल टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर. और पाई जो है यहां पर एम, ये बेसिकली सीआरटी ही है और कुछ नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. तो यहां पर सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. ये आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी. उसके बाद हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने जो पढ़ी उनसे आंसर बिल्कुल परफेक्ट राइट नहीं आ रहा है. तो हमें पता चला कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. तो एबनॉर्मल क्यों होती हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं दो रीजंस की वजह से, या तो एसोसिएशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है. याद आ गया ना? तो यहीं से हमारे पास एक नया टर्म निकल कर आता है विच इज वैंट हॉफ फैक्टर. वैंट हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के दो तीन फॉर्मूले बताए हैं. जल्दी से जो सबसे फेवरेट फॉर्मूला लिखना अपना यहां पर कॉमेंट सेक्शन में. वैंट हॉफ फैक्टर क्या होता है कि क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, मतलब तुमने एक्सपेरिमेंटली कितनी वैल्यू कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय आपका थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकल मतलब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला लिखे हैं ना, यहां से कितनी वैल्यू निकल कर आई, यहां से कितनी निकल कर आई प्लस एक्सपेरिमेंटली कितनी ऑब्जर्व हुई उसका रेशियो, या फिर कितना आपने मास कैलकुलेट किया और कितना आपका ऑब्जर्व्ड मास है. तो ध्यान रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए मास में देखो ये ऊपर नीचे हो गया, इधर ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड है, इधर कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इधर मोलिकुलर मास है. यहां पर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फिर ये याद रखेंगे कि एसोसिएशन के केस में आई इज ऑलवेज लेस देन वन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, और डिसोसिएशन के केस में आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, क्योंकि डिसोसिएशन के केस में आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेंगे, और मतलब पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे डिसोसिएशन के बाद, और एसोसिएशन के बाद जो है ऑब्वियसली पार्टिकल्स कम हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर ये था. और उसी से हमारी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो जी सारी मॉडिफाई हो जाती हैं. मॉडिफाई होने के बाद सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं करना, बस ये वैंट हॉफ फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर देना है. और अब फाइनली जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे कैलकुलेट, आप अपने दिमाग में यही वाला एक्सप्रेशन ध्यान कर उसको कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद ध्यान करिए, गैस इन अ लिक्विड, हमने सॉलिड इन लिक्विड वाला पढ़ा, लिक्विड इन लिक्विड पड़ा, गैस इन अ लिक्विड के लिए कौन सा लॉ आता है फटाफट बताना, चैट सेक्शन में मेरे सामने होना चाहिए कौन से लॉ की यहां पर बात होने वाली है. जल्दी से बता देंगे, कल से मैं आपको बता दूंगी. जिस तरह से हमारा रूटीन रहेगा, पहले आपका डाउट वाला सेशन रहेगा, देन एनसीईआरटी एक्सरसाइज और डीपीपी साथ साथ चलेगा. हाँ, हेनरीज लॉ परफेक्ट है. तो यहां पर यह आपको बताता है हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ भी आपका यही कहता है कि जो आपका प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, या फिर उसको आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख देते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो ये कांस्टेंट आता है KH, विच इज हेनरीज कांस्टेंट. और हेनरीज कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये एक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक गैस का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हेनरीज कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग देखो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया. तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करती हूँ, तो y एक्सिस पर क्या आ गया, p फॉर प्रेशर, x एक्सिस पर यहाँ पर आपका ये कॉन्स्टेंट आ गया. इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर KH विल बी द स्लोप और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद ध्यान रखिएगा कि KH जितना ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है. उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सॉल्युबिलिटी एंड KH आर इनवर्सली रिलेटेड. उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत सारी आती है हेनरीज लॉ की, और बस यही बचा है अब आपका एप्लीकेशन. देखो मैं बता देती हूँ एप्लीकेशन में क्या क्या आता है ना, ये कुछ नहीं है. एप्लीकेशन में आपके पास क्या क्या आता है, एक तो आपकी जो हाई ऑल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों को एनोक्सिया प्रॉब्लम होता है. तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि एनोक्सिया प्रॉब्लम उनको क्यों होता है. एनोक्सिया क्या होता है कि जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं ना, उनकी सोचने समझने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. थोड़ा नोजिया टाइप फीलिंग आती है, राइट है, समझ रहे हैं आप इस बात को, नोजिया टाइप फीलिंग आती है, मतलब कि दे फील लो, क्योंकि वहां पर आपकी ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं. सिमिलरली जितने भी स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो है जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में उनके पास जितनी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ना, उनको हीलियम के साथ डाइल्यूट कराया जाता है. वो भी एक एप्लीकेशन बनता है हेनरीज लॉ का. अब इन दोनों एप्लीकेशन के पीछे क्या रीजन है, दैट वी विल डिस्कस इन द स्पेशल क्लास. टिल देन यू कैन सी दैट दिस इज द एजुकेटर्स टाइम टेबल वी हैव फॉर क्लास 12 विच इज रनिंग. अभी आपका क्लास स्टार्ट हो गया है फिजिक्स का, है ना, स्टार्ट हो गया क्या? तो अभी आपका ये क्लास का टाइम होता है 5 to 6:30 PM.
माइन सर का क्लास, बेसिक बेसिक्स ऑफ लेंसेज, ये आपका आज क्लास है, तो मजा आएगा। बड़े दिनों बाद है ना, कुछ दिन हो गए आई मीन, तो एकदम एक्साइटेड हो, आज जरूर सबने क्लास को अटेंड करना है। देन उसके बाद सीप मैम क्लास लेती है, अनूप सर, देन कोमल मैम, ठीक है। तो आपका ये रहा टाइम टेबल, देन दीज आर द ऑन गोइंग ऑफर्स, बंपर ऑफर्स, ये आपके सामने बैचेज हैं। देन वी हैव द संजीवनी बैच, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे आपका यहाँ पर ये बाइफिकेशन, आप बस कोड यूज कर सकते हैं विच इज AKA लाइव, आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। अगर आप है 22 एस्पायरेंट, गो फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12+3 ऑफर ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप 24 मंथ मतलब कि अगर आप 23 एस्पायरेंट है, गो फॉर दी 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसके साथ 24+4 का बम्पर ऑफर अभी आपका ऑनगोइंग है। प्लस देखो ये जितना भी अमाउंट यहाँ लिखा है, दिस इज वेरी फिजिबल इफ यू कंपेयर टू एनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ जो है इन पर 10% ऑफ है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। देन यू हैव इजी एमआई ऑप्शंस, अनअकैडमी कॉम्बैट, फी स्कॉलरशिप प्रेस्ट होता है, टॉप 3 विनर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलता है ऑन दी प्लस सब्सक्रिप्शन, बाकी के 150 विनर्स को भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डू नॉट मिस टू पार्टिसिपेट। देन यू हैव दिस अमेजिंग संजीवनी बैच विच इज ऑन गोइंग, एंड देन आप यहाँ पर थैंक यू वेरी मच साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आप जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि तभी आपके पास टाइमली अपडेट्स आएंगी। डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन, एंड टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं आज के सेशन का लिंक। अनअकैडमी नीट का जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे, एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। चलिए बाय टाटा, लेट्स मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम विद अनदर न्यू चैप्टर, ठीक है। अच्छा, सेशन को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, सो डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन।